वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। ये हमारी न्यू एनसीईआरटी है। हमारी पहले सीरीज भी चल रही थी ज्योग्राफी की, उसमें हम ओल्ड एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा अभी तक 7 चैप्टर हो चुके हैं। हम 8वां चैप्टर भी बहुत जल्द लाएंगे और साथ ही साथ हम न्यू एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों ही पढ़ना जरूरी है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि 2018 यूपीएससी आईएएस एग्जाम से पहले पूरा हमारा सिलेबस कवर हो जाए, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का। और इसीलिए मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक एक कुछ कुछ दिनों पे मैं डालता रहूँगा और अब धीरे धीरे मैं उसको रेगुलर करूँगा। अभी ये मेरा मैं अभी टाइम टेबल उसका बना रहा हूँ कि कैसे उसको प्रॉपरली करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर में और हम अब नया चैप्टर द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम शुरू करेंगे, ज्योग्राफी क्लास सिक्स एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास सिक्स का चैप्टर्स है वो हमारा इन कंटेंट्स में दे रखा है। आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। जो आने वाला वीडियो है उसमें हम ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ करेंगे, मैप्स करेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ करेंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ करेंगे और हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट्स, वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के भी बारे में पढ़ेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि पूरी बुक को मैं कवर कर दूं, अपेंडिक्स को भी मैं कवर करूंगा, हो सकता है। अब देखते हैं कितना मैं कर पाता हूं। वैसे ये चैप्टर्स मैं रेगुलरली आपके सामने एक एक करके कर दूंगा और साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ मैं कोई एक और सब्जेक्ट लेके चलूंगा कि आपका जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें अगर आप फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा, ये रात के समय की बात करेगा। इसमें ये कह रहा है कि रात में जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि शाइन करते रहते हैं। कुछ या तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट होते हैं और कुछ डल भी होते हैं, और ये देखने में ऐसा लगता है कि डायमंड चमक रहे हैं, और ये ऐसा लगता है देखने में कि वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, वो जल बुझ रहे हैं, और ये भी देखा गया है कि कुछ ट्विंकल्स नहीं करते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स के साथ मून भी होता है। जो मून होता है ये हर दिन अलग अलग शेप का होता है, समय समय पे उसका शेप बदलता रहता है। जिस दिन वो पूरी तरीके से दिखता है, कंप्लीट मून हमको दिखता है, वो फुल मून नाइट कहलाता है और उसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं। और फोर्थ नाइट लेटर, मतलब 14 डेज के बाद 15th डे हमारा ऐसा दिन होता है जिस दिन मून बिल्कुल नहीं नजर आता है नाइट में, उसको हम न्यू मून नाइट कहते हैं और उसको हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमको आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है, क्लियर नजर आता है, और ये सबसे वंडरफुल होता है देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है एनसीईआरटी में कि मून और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट जो नाइट में नजर आते हैं वो दिन में क्यों नहीं नजर आते हैं? तो इसका रीजन है कि दिन में हमको सनलाइट दिखती है जो कि बहुत ही ब्राइट होती है और इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखने नहीं देती है। जो भी ऑब्जेक्ट हमको आसमान में दिखते हैं, स्काई में दिखते हैं, जैसे कि सन, मून और अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि शाइन करते हैं नाइट में, उनको हम सिलिशियस बॉडी कहते हैं। सिलिशियस बॉडीज
कुछ बड़े होते हैं और हॉट भी होते हैं, और ये सिलिशियस बॉडीज जो कि बड़े और हॉट होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं, इनके खुद की लाइट होती है और हीट होती है, और ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट को रिलीज करते हैं। ऐसे सिलिशियस बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमको नाइट में नजर आते हैं। जैसे कि सन हमको दिखता है दिन में, वैसे ही रात में जो चमकते हुए तारे नजर आते हैं वो सन के तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी हीट और लाइट हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए उनकी हीट और लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है, और हम जब आसमान में उनको देखते हैं तो वो हमको बहुत छोटे नजर आते हैं। चलिए अब हम अगले पेज में देखते हैं कि क्या हम वहां से सीख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब अगले पेज में हम ये देखेंगे कि हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देख पाएंगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और वो छोटे हमको इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। जैसे हम एरोप्लेन को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो बहुत छोटा नजर आता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है, और हम जब रात में स्काई को देखते हैं तो वेरियस पैटर्न्स ऑफ स्टार्स नजर आते हैं, कई तरह के स्टार्स नजर आते हैं। इन पैटर्न जो अलग अलग तरीके से हमको जो सन स्टार्स नजर आते हैं रात में, उनको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। इनमें जो सबसे फेमस है उसमें है उर्सा मेजर, उसी को हम बिग बियर भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिलेशंस का एग्जाम्पल है, और इन कॉन्स्टिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो हमको कॉन्स्टिलेशंस दिख जाता है वो है स्मॉल बियर और सप्तऋषि। इसको सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि सात ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, उनको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये सप्तऋषि ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक लड़की आसमान में देख रही है। इसमें सम एल्डर्स यू नीड, आप कुछ एल्डर पर्सन्स घर के आप या नेबरवुड में आप पूछ सकते हैं कि वो आपको स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस जो कि आपको स्काई में दिखते हैं उनको वो डिस्टिंग्विश करके आपको बता दें, जो भी आपके एल्डर नेबर्स में है या आपकी फैमिली में है। और एंशियंट टाइम्स में पीपल जो थे, लोग जो थे, उनको डायरेक्शंस का बहुत नॉलेज नहीं था, वो बहुत डायरेक्शंस के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो ऐसे स्टार को फॉलो करते थे जो कि परमानेंटली एक डायरेक्शन में रहता था। वो स्टार नॉर्थ स्टार है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही प्रेजेंट रहता है, उसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और पोल स्टार भी कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ पोल पे ही रहता है। और इसमें अगर आप नॉर्थ पोल को देखेंगे, पोलर स्टार को देखेंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो वहीं पर रहेगा। और पोल स्टार को लोकेट करने के लिए हमको सप्तऋषि की जरूरत पड़ती है। सप्तऋषि जो कॉन्स्टिलेशन है, ये जिसको हम स्मॉल बियर भी कहते हैं, ये उर्सा मेजर का ही पार्ट है। अब आप पिक्चर की तरफ देखिए, वहां पे लड़की सप्तऋषि की मदद से जो कि पॉइंटर स्टार है उसकी मदद से वो नॉर्थ स्टार की तरफ देख रही है। यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन भी दे रखा है। अब आपको हम बताएंगे कि कुछ जो सिलिशियस बॉडीज हैं वो अभी तक आपने देखा था, कुछ सिलिशियस बॉडीज हैं जो कि खुद उनकी हीट और लाइट होती है वो रिलीज करते हैं, जैसा कि हमारा सन है। लेकिन कुछ सिलिशियस बॉडीज ऐसे भी हैं जिनकी खुद की हीट
और लाइट नहीं होती है, उनकी खुद की लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे सिलिशियस बॉडीज वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेटाई से, इसका मतलब होता है वंडरर, जो कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए उसको वंडरर्स कहा गया है। अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो भी इसी टाइप का एक प्लैनेट है, और इसकी जो लाइट आपको नजर आती है, प्लैनेट्स की जो लाइट नजर आती है वो हमको सन से मिलती है, और जो कि हमारा सबसे नियर अबाउट स्टार है। और अगर हम अर्थ को डिस्टेंस से देखें, फिर ऐसा नजर आएगा कि मून जो हमारे ऊपर, जो हमारे आसपास में चमक रहा है, मून जो हमको आसमान में नजर आता है, वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है, वो एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है, वैसे ही मून भी जो कि सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। क्योंकि स्टार्स प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको हम कंपेनियन भी कहते हैं। अर्थ के अलावा पहले 8 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब एट प्रेजेंट अर्थ को छोड़ के अब 7 प्लैनेट्स हैं, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को हटा दिया गया है एट प्रेजेंट। और जो हमारे प्लैनेट्स या जो भी प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स, अदर 7 प्लैनेट्स जो हैं, उनको जो लाइट और हीट मिलती है ये सन से ही हमको मिलती है। और ये जो प्लैनेट्स हैं इनके भी खुद के सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसमें है सन और 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेशियस बॉडीज, जो बॉडीज जो रात में दिखती हैं या जो आसमान में प्रेजेंट रहती हैं, उनमें से कुछ हैं एस्टेरॉइड्स और मेटियोर्स। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे जो कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की खुद की रिंग्स हैं, और ये स्मॉल डिब्रिस से बनी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। और ये अर्थ से अगर हम देखते हैं तो हमको पावरफुल टेलीस्कोप से हमको देखना पड़ता है। चलिए अब हम आगे पेज पे देखते हैं एनसीईआरटी के कि क्या दे रखा है। फ्रेंड्स, ये जो अगला पेज है इसमें हमारे देखिए सारे प्लैनेट्स दे रखे हैं और इनकी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स दे रखी हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट दे रखा है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। और आप देखिए सन सेंटर में है और चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब प्लूटो हटा दिया गया है क्योंकि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा था। ये एक क्राइटेरिया है कि जो भी प्लैनेट अगर अपना पाथ छोड़ देता है, अगर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट अपना प्रॉपर नहीं लेता है, तो उसको प्लैनेट के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाता है। तो प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया था, 2006 में बाहर कर दिया गया था। अब हमारे पास ऑल टोटल 80 प्लैनेट्स बचे हैं, पहले 9 थे। फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले पेज में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में कौन है, सोलर सिस्टम में सन और उसके 9 प्लैनेट्स हैं जो कि अब 8 हो गए हैं क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है। सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन है। अब हम हेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सन है। चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं। सन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ये बहुत ही बड़ा है
और एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, एक अट्रैक्शन जनरेट करता है सोलर सिस्टम में, जिसके कारण सन से प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं वो कभी भी छोड़ के उसको नहीं जाते हैं, वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं। सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, वो सिर्फ हीट और लाइट को सन ही प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम में। ये हमसे काफी दूर है, इसीलिए उस हीट को हम उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है। सन करीब नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से, और ये कई बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज इस डिस्टेंस को रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम प्लैनेट्स के फैमिली मेंबर, सेकंड फैमिली मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स 9 थे पहले, अब वो घट के 8 हो गए हैं, एक प्लूटो हट गया है। अगर हम प्लैनेट्स को सन से डिस्टेंस पे देखेंगे तो सबसे पहले आता है मरकरी, सेकंड नंबर पे आता है वीनस, थर्ड आता है अर्थ, फोर्थ आता है मार्स, फिफ्थ आता है जुपिटर, सिक्स्थ आता है सैटर्न, सेवेंथ आता है यूरेनस, एट आता है नेपच्यून, नाइन्थ आता है प्लूटो। अब प्लूटो हट गया है। इन सीक्वेंस को मेमोराइज करने के लिए, इसी सीक्वेंस में याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस को बोलेंगे जो कि आपको याद करने के लिए आसान हो जाए। वेरी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। इसका जो पहले शब्द है ये प्लैनेट्स के नाम का पहला वर्ड है, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। 9 प्लैनेट्स, जो कि 8 प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में फॉलो करते हैं, एक फिक्स्ड रास्ते पर चलते हैं जो कि इलॉन्गेटेड होता है, इसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी जो सबसे पहले नंबर पे आता है सन के, ये बहुत करीब है, बहुत नियरेस्ट है, इसीलिए इसको सन के चारों तरफ घूमने में, रिवॉल्व करने में 88 डेज ही लगता है। जैसे अर्थ पे हम है, अर्थ का कंप्लीट रोटेशन सन के चारों तरफ 365 डेज और 6 आवर्स होता है, वैसे ही मरकरी का 88 डेज ही लगता है। जबकि अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो को कवर करने में एक रेवोल्यूशन करीब 248 इयर्स लगता है। वीनस को हम अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप और साइज बिल्कुल अर्थ के इक्विवेलेंट है। न्यू प्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है 2003 यूबी 313। ये जल्दी ही डिस्कवर किया गया है सोलर सिस्टम में, ये प्लूटो से बड़ा है और सोलर सिस्टम में सबसे दूर है सन से। और इस प्लैनेट के बारे में और हमको डिटेल पता नहीं लगा है, और जैसे जैसे इसके बारे में पता लगता है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब हम आते हैं अपने प्लैनेट पर जो कि अर्थ। अर्थ सन से थर्ड नंबर पर है, साइज में अगर अर्थ को देखा जाए तो ये फिफ्थ नंबर पे आता है। इसके पोल्स स्ट्राइटली फ्लैटेंड है, दबे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम जियोइड दिया गया है। जियोइड का मतलब है अर्थ के तरह शेप होना। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम क्या नया सीख पा रहे हैं। अब बात आती है कि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थ लाइफ को सपोर्ट क्यों करता है, सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट क्यों है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ये इसका कारण है कि अर्थ का टेम्परेचर ना ही बहुत हॉट है और ना ही बहुत कोल्ड है। अर्थ पे वाटर एयर दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों ही
लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को, वो ऑक्सीजन है, वो अर्थ में प्रेजेंट है। और इन्हीं कारणों से, यही रीजंस हैं जिसके कारण हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कह रहे हैं सोलर सिस्टम का। और अगर हम बाहर से अर्थ को देखें, स्पेस से देखें अर्थ को, तो वो ब्लू दिखता है, क्योंकि 2/3 सरफेस जो अर्थ का है वो वाटर से भरा हुआ है, इसीलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और बाहर से जब हम देखेंगे तो वो ब्लू दिखेगा। अब हम अपने मून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सैटेलाइट है। मून 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। ये हमको बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत पास में है। इसका डिस्टेंस करीब 384,400 किलोमीटर्स है हमसे। और अगर हम इसको सन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमको बहुत ही पास में नजर आएगा। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ और स्पिन दोनों ही 27 डेज में करता है, और इसी कारण से हमको मून का एक ही साइड नजर आता है। और ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे पानी नहीं है, एयर नहीं है, और यहाँ पे जो माउंटेन्स, प्लेटोज और डिप्रेशन हैं, यही हमको रात में स्पॉट की तरह दिखता है। चलिए हम मून के बारे में नेक्स्ट पेज में और भी पढ़ेंगे। जो कास्ट हमको, हमने पहले ही बता दिया है, अभी पहले पेज में जो कास्ट हमको दिखता है मून का, ये डिप्रेशंस होती हैं, प्लेन्स होती हैं और माउंटेन्स होता है। और हम अगर सरफेस को देखेंगे पूरी तरीके से तो ये सब स्पॉट्स हमको नजर आएंगे, एज अ शैडो नजर आएगा। अब हम एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा सिलेशियस बॉडीज हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाती हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरिस का है। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स प्लैनेट के ही टूटे हुए पार्ट हैं। जब एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग थ्योरी में, वो हम पढ़ेंगे, उसमें जो टुकड़े छिटके थे, जो दूर गए थे, जो डिस्टेंस पे गए थे, वो एस्टेरॉइड ही हैं। अब हम फ्रेंड्स मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। समटाइम्स हम देखेंगे कि ये अर्थ के इतने पास में आ जाते हैं कि फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है या बर्न कर जाते हैं और वो हमारे अर्थ की तरफ चले आते हैं, तो हम कहते हैं कि तारा गिर रहा है। कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन जनरेट हुआ, हीट हुआ, लेकिन गिरते समय वो पूरी तरीके से जलता नहीं रहा, और जब वो गिरता है तो वहां पे होल क्रिएट कर देता है। और पहले के लोग जब आसमान में देखते थे तो हमको आसमान में कुछ रिवर टाइप का दिखता था, तो उन्होंने इसको आकाश को आकाश गंगा कह दिया है। और आज के डेट में अगर हम देखें, हम वाइट ब्रॉड बैंड देखते हैं आसमान में, वो ग्लो करता रहता है, लगता है कि कोई रिवर बह रहा है। ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, ये बैंड ऑफ मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसमें पाए जाते हैं। क्लस्टर ऑफ स्टार्स जब होता है तो वो गैलेक्सी कहलाता है। हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे में है, जिसमें हमारा अर्थ आता है, हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। और जब यही गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स डस्ट को कंबाइंड करके बनाता है तो ये यूनिवर्स कहलाता है। और इसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि यूनिवर्स डेली फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फ्रेंड्स एस्टेरॉइड और मिल्की वे को आप पिक्चर में देख सकते हैं, और आप पिक्चर को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें। चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि क्या
नया सीख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हमने आपको यूनिवर्स, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में बताया है, यहाँ पे हम आपसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सेंटर में लड़की है वो आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप वो हैं और आप कहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप अर्थ में प्रेजेंट है। अर्थ कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में है। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स है, उससे छोटा मिल्की वे गैलेक्सी है, उससे छोटा सोलर सिस्टम है, उससे छोटा अर्थ है, और सबसे छोटे हम हैं जो कि अर्थ में प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं और कुछ हम और समझने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। जो चीजें हम भूल गए हैं या नहीं समझ पाए हैं वो हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अब पहला आता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आ रहा है पहला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, फिर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शंस, उसको हम मैंने मार्क कर दिया है। वैसे आप खुद से भी ये एनसीईआरटी में बिना देखे आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, और फिल इन द ब्लैंक्स हमारे नेक्स्ट पेज में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लैनेट डिफर्स फ्रॉम स्टार्स? प्लैनेट स्टार से अलग कैसे है? प्लैनेट्स के खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, जबकि स्टार का होता है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम हमने बता दिया है, सन और प्लैनेट्स। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द सन, ये हमने बता दिया है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, ये भी मैंने आपको बता दिया है, वहां पे अर्थ में पानी है, एयर है, ऑक्सीजन है, और बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। Why do we see only one side of the moon always? ये मैंने बताया था कि जो रेवोल्यूशन है मून का अर्थ के अराउंड, और जो रोटेशन है ये दोनों ही वो 27 डेज में करता है, इसीलिए हम वन साइड ही मून का देख पाते हैं। अब व्हाट इज यूनिवर्स, और यूनिवर्स क्या है? इट इज मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज मिलियन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मल्टीपल चॉइस देखेंगे। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके एग्जाम में चार ऑप्शन आता है, पांच आता है, छह आता है, सात आता है। अब ये आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी करता है, आप अपने सिलेबस के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए कैसा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन्स इज वीनस, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, हम लोग ये पहले देख चुके हैं कि अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट कहलाता है, तो वीनस कहलाता है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से तीसरा प्लैनेट कौन सा है? वो अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन, और जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, आपको मैंने एक डायग्राम में पहले दिखाया था वो इलेप्टिकल पाथ था। द पोल स्टार इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया कि पोल स्टार कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नॉर्थ में प्रेजेंट होता है, नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट रहता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एस्टेरॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? किन दो प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लीज फ्रेंड्स, एनसीईआरटी इसको आप स्किप मत करिए, ये मत सोचिए कि सिक्स क्लास का एनसीईआरटी है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना जरूरी है पढ़ना। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्म्स अ वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड डैश। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म द वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था उर्सा मेजर, बिग बियर और स्मॉल बियर, सप्तऋषि, ये इसके एग्जांपल है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सीज। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उनको हम गैलेक्सीज कहते हैं। मून हमारा सबसे क्लोजेस्ट सेलेशियस बॉडी है। यहाँ पे आप सन से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे मून भी दे रखा है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट टू द सन। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। आपको पता है कि सन जो लाइट देता है प्लैनेट्स के खुद के लाइट और हीट नहीं होता है, जबकि स्टार्स का खुद का हीट और लाइट होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। प्लीज इसको दो तीन बार देख लें, उससे भी ज्यादा देखना हो तो आप देख लें और पॉज कर करके देखें। अगर आप कहीं पे कोई चीज मिस कर रहे हैं प्लीज बार बार इसको देखिए कि आपको सिक्स क्लास का आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े और आपके एग्जाम में यहीं पे कंप्लीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ कि आपका ये आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो, आपको पढ़ना ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस। इट इज द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को। ये यूट्यूब चैनल है, हम जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही जरूरी होगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विजिट अगेन, विल मीट यू वेरी सून।